Hello friend, welcome to our software engineering class from Ulta Ghari. Here I am Rinku, and in the previous section we discussed about testing. So we have seen in the previous section the main goal of testing. The main goal of testing is to determine or identify the bug or error in a program. Testing have two part, black box testing and white box testing. Okay, then now in the today class we discuss in detail white box testing and black box testing. So black box testing, in the black box testing, test cases are designed using only the functional specification of the software and does not require any knowledge of the internal structure of a program. For this reason, black box testing is also called or known as functional testing. So यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो टेस्ट केस डिजाइन होता है ना, इसके लिए हमें ओनली फंक्शनल स्पेसिफिकेशन चाहिए, सॉफ्टवेयर का फंक्शनल स्पेसिफिकेशन चाहिए. और यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का जो इंटरनल नॉलेज है उसका कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को फंक्शनल टेस्टिंग भी कह सकते हैं. नेक्स्ट, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेनली टू टाइप. ओके, वन बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज ऑब्जर्व दैट एरर ऑकर नियर द बाउंड्री ऑफ वैलिड रेंज ऑफ इनपुट्स डेटा. सो टेस्ट केस आर रिटर्न considering the boundary values of the higher and lower values of the valid range. तो यहाँ पे क्या होता है, boundary value जो है उसको analyze किया जाता है और boundary value का near जो error occur होता है उसको identify किया जाता है. Okay. Next. इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग. इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग का अंदर क्या होता है, हेयर वी डिवाइडेड द एंटायर रेंज ऑफ इनपुट्स डेटा इनटू क्लासेस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द फर्स्ट सॉरी टेस्ट केस. सो फॉर अ गिवन रेंज ऑफ इनपुट्स डेटा देयर कैन बी वन वैलिड एंड टू इनवैलिड states below and above the range. If the input class is boolean expression, then they are can be one valid and other one is invalid class. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो total input data range है उसको कुछ equal probability class के बीच डिवाइड कर देंगे. ओके, और टेस्ट केस को हम ड्राइव कर लेंगे. सो फॉर अ गिवन रेंज ऑफ इनपुट डेटा, ये जो टोटल रेंज ऑफ इनपुट डेटा है इसके बीच क्या होता है, वन वैलिड और टू इनवैलिड स्टेट पे भाग हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है. ठीक है, जो इनवैलिड स्टेट है वो बिलो एंड अबव रेंज पे होता है. और अगर ये बुलियन एक्सप्रेशन हो तो ये दो क्लास पे भाग होगा, वो वन है वैलिड और अदर इनवैलिड क्लास. नेक्स्ट, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग केसेस रिक्वायर नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम. फॉर दिस रीजन White box testing is also called structural testing. So, हमने देखा है कि black box testing के अंदर कोई program का जो internal structure का knowledge होता है
वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम का इंटरनल स्ट्रक्चर का नॉलेज का ज़रूरत है, इसलिए हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कैन आइदर बी कवर रिच बेस और फॉल्ट बेस। नेक्स्ट, फॉल्ट बेस टेस्टिंग। द मेन गोल ऑफ फॉल्ट बेस टेस्टिंग इज टू डिटेक्ट सर्टेन टाइप ऑफ फॉल्ट्स इन अ प्रोग्राम। सो यहाँ पे क्या है, फॉल्ट बेस टेस्टिंग का मेन गोल और एम है जो एक प्रोग्राम का अंदर जो सर्टेन टाइप डिटेक्ट होता है और बग होता है उसको टेस्ट करना। ओके, एक कवर बेस टेस्टिंग हो सकता, इसके बाद आते हैं कवर बेस टेस्टिंग। ए कवर बेस टेस्टिंग कैन एग्जीक्यूट सर्टेन एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। फॉल्ट बेस के अंदर क्या होता है, डिटेक्ट किया जाता है सर्टेन टाइप ऑफ फॉल्ट को। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूट किया जाता है सर्टेन एलिमेंट को। इसके बाद हम कवरेज बेस्ड टेस्टिंग को इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मेनी टाइप ऑफ कवरेज बेस्ड टेस्टिंग आर स्टेटमेंट कवरेज बेस्ड टेस्टिंग, ब्रांच कवरेज बेस्ड टेस्टिंग एंड पाथ कवरेज बेस्ड टेस्टिंग। ओके, तो देखते हैं स्टेटमेंट कवरेज बेस्ड टेस्टिंग किसे कहते हैं, ब्रांच कवरेज बेस्ड टेस्टिंग किसे कहते हैं और पाथ कवरेज बेस्ड टेस्टिंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट, स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग। स्टेटमेंट कवरेज हैज ईच लाइन ऑफ सोर्स कोड बीन एग्जीक्यूटेड एंड टेस्टेड। सो स्टेटमेंट कवरेज बेस्ड टेस्टिंग का अंदर क्या होता है, सोर्स कोड का जो एक एक लाइन होता है वो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट किया जाता है एंड टेस्टेड किया जाता है। इसके बाद आते हैं कंडीशन कवरेज बेस्ड टेस्टिंग। कंडीशन कवरेज हैज ईच इवैल्यूएशन पॉइंट सजेस्ट ट्रू और फॉल्स डिसीशन बीन एग्जीक्यूटेड। इसके बाद आते हैं पाथ कवरेज। पाथ कवरेज हैज एवरी पॉसिबल रूट थ्रू अ गिवन पार्ट ऑफ द कोड बीन एग्जीक्यूटेड ऑन टेस्टेड। पाथ कवरेज बेस टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पॉसिबल रूट होता है। यहाँ पे हम कोई भी रूट के थ्रू से जो कोड होता है सोर्स कोड उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंट्री और एग्जिट कवरेज बेस्ड टेस्टिंग। एंट्री और एग्जिट कवरेज हैज एवरी पॉसिबल कॉल रिटर्न ऑफ द फंक्शन बीन एग्जीक्यूटेड एंड टेस्टेड। ओके, so thank you for attend my today class. In the next class we discuss about another question and answer from software engineering, like unit testing, integration testing and system testing. So attend my next class and subscribe my channel Ulta Ghari. So aaj tak itna hi. नेक्स्ट क्लास पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ अटेंड माय नेक्स्ट क्लास एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब मी।